मतलब सीरियसली आई नो तुम्हें लग रहा हो मैं रफ्तार के बारे में ज्यादा बोल रहा हूँ, इट्स नॉट माई हेटर हूँ, आई एम जस्ट रियली डिसअपॉइंटेड। वाई हनी सिंह का कांड हुआ, फिर तुमने बोला तुम मैच्योर हो गए, लेट इट गो करोगे। इवन हनी सिंह के टाइम में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, और इसके बाद मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, सीख जाता बंदा समय के साथ सीखता है। बट अगेन आज ये चीज़ देख के वही चीज़ सेम डिसअपॉइंटमेंट है मेरे पास। टेक्निकली मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं रफ्तार के म्यूजिक का फैन हूँ, वो पर्सनल लाइफ में क्या करता मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक आर्टिस्ट होके तुम दूसरे आर्टिस्ट के बारे में ऐसा बोलो कि मैं ऊपर तू नीचे, वो गलत है। रफ्तार हनी से बेटर रैपर है, एग्री, मैं अभी भी मानता हूँ रफ्तार हनी से बेटर रैपर है। बट एक बात जान लो, हनी सिंह रैपर नहीं है, हनी सिंह म्यूजिक प्रोड्यूसर है। डॉक्टर ड्रे का नाम सुना है ना, एमिनेम को लेके आया, स्नूप डॉग लेके आया, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लेके आया। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर ड्रे बैठ के लिखता है? नहीं ना, बंदे लिखते हैं उसके लिए। सेम गोज विद हनी सिंह, मेरे को लगता है हनी सिंह डॉक्टर ड्रे से बेटर है क्योंकि हनी सिंह फिर भी कुछ लिख सकता है। तुम हनी सिंह से बेटर रैपर हो नो डाउट, बट हनी सिंह इज इंडिया का और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। और म्यूजिक प्रोडक्शन में तुम हनी सिंह के कहीं बराबर पे नहीं आते, इवन दो आई लव यू, बट हनी सिंह अगर ना होता तो आज रैप का कोई सीन नहीं होता। और ये एक बहुत हार्ड फैक्ट है जो तुम्हें डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और अगर तुम इतिहास गिनाना चाहते हो, मैं गिनवा देता हूँ। 90s में बाबा सहगल आए, बाबा सहगल ने 2-3 एल्बम निकाली, उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता था। देवांग पटेल आए, देवांग पटेल ने बहुत अच्छे गाने किए जो फैमिली फ्रेंडली थे, कुछ सालों चला बट फिर उसको भी कोई नहीं पूछता। अब 5 इंडियन आए थे, उन्होंने भी कई गाने करे बट उनकी बातें किसी को समझ में नहीं आती थी। फिर आए बोहेमिया, बट बोहेमिया पाकिस्तानी बॉर्न है। बोहेमिया और अपाचे जी का ये हिसाब था कि जो प्योर हिप हॉप में बिलीव करते हैं वो लोग उनको सुनते हैं। और फिर आए हनी पाजी, हनी पाजी ने इंडिया में रैप को कमर्शियलाइज किया है, और इस बात को मुझे नहीं लगता कोई डिनाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2009 से पहले मेरे को कोई भी ऐसा कमर्शियल बंदा नहीं दिखा जो इतने बड़े लेवल पे पंगा लेके आ रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। और 2009 के बाद रैप और हिप हॉप सीन कभी सेम नहीं रहा है। बॉलीवुड में 2009 से पहले कब तुम देखते थे प्योर हिप हॉप गाना आ रहा है या कमर्शियलाइज्ड हिप हॉप गाना आ रहा है? नहीं था। हनी सिंह बिजनेसमैन है, बट उससे भी अच्छा वो म्यूजिक प्रोड्यूसर है। हनी सिंह रैपर नहीं है, अगर तुम्हें अभी भी लगता रैपर है वो नहीं है रैपर। एंड सेम गोज विद रफ्तार बादशाह, रफ्तार बादशाह आर वेरी गुड राइटर। अगर तुम मेरे को बोलो रफ्तार की रफ्तार और बादशाह कौन बेटर राइटर है तो मैं बादशाह को वोट दूंगा, रफ्तार को फिर भी नहीं दूंगा। इवन दो आई लव रफ्तार, क्योंकि रफ्तार से बेटर बादशाह लिखता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट मैन। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना रफ्तार के बारे में बोल के, उसके खिलाफ बोल के, मुझे एक्चुअली बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि आई लाइक दैट गाय। जो उसने अचीव किया, जितनी स्ट्रगल करके वो अचीव किया, आई रिस्पेक्ट हिम। एक चीज जो मुझे अभी भी डिसअपॉइंट कर रही है, और क्या जरूरत है किसी को नीचा दिखाने की या बुरा फील कराने के लिए, और एक लौती रिक्वेस्ट जो मेरी है, प्लीज एंड दिस नाउ। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा तुम लोग क्या सोचते हो। और इसी नोट में ये एपिसोड खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल।